ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ व्रतानां व्रतपति व्रतं चरिष्यामि तच्छकीयं तन्मेराध्यताम् इदमहमन्रितात् सत्यमुपै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। बालकांड का 67वां सर्ग पढ़ रही थी और इसमें प्रसंग चल रहा था, परशुराम जी जब महाराजा दशरथ की अवहेलना करके उनके वाक्यों का अनादर करके आगे राम की तरफ बढ़ जाते हैं और श्री राम को वो अपने पराक्रम के बारे में विदित करवाते हैं कि कितनी बार मैंने इस सृष्टि को क्षत्रियों से रहित कर दिया था, तो श्री राम कहते हैं कि जो कुछ आपने किया उसके बारे में श्रुतवान अस्मि, हमने सब सुना है, आपके पराक्रम के बारे में हम जानते हैं और हम उसका अनुमोदन भी करते हैं अनुरुद्धामहि, लेकिन जिस तरह से आप हमारे पिता के सामने बातचीत कर रहे थे तो उससे ये लगता है कि आप हमें बिल्कुल ही पराक्रमहीन समझ रहे हैं, वीर्यहीनम इव अशक्तम। तो ये आपका जो व्यवहार है ये उचित नहीं है। एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को वो यदि शांत है तो आप उसके गौरव को ऐसे धराशाही कर रहे हैं, धूल में मिला रहे हैं, ये ठीक नहीं है। तो ऐसा कहकर के उन्होंने कहा कि ठीक है, यदि आप हमें बिल्कुल ऐसे ही समझ लिया अशक्त वीर्यहीन तो अब आप हमारे पराक्रम को देखिए, और ऐसा कहकर के उन्होंने उनके हाथ से धनुष को खींच लिया। तुरंत हस्ता लघु पराक्रम, तुरंत लघु पराक्रम, बहुत शीघ्र ही पराक्रम दिखाने वाले श्री राम ने उनके हाथ से धनुष को छीन लिया। तो विष्णु ने ही उनको दिया था, विष्णु ने ही छीन लिया। तो उस दिन चर्चा ये चल रही थी कि हमारे पास में जो कुछ भी है वो ईश्वर का ही दिया हुआ है, किसी के पास कम या ज़्यादा जैसी भी शक्ति है वो सब
भगवत प्रदत्त है, और जब हम उसको अपना मान लेते हैं और अपना मान करके अपने को श्रेष्ठ और दूसरों को कनिष्ठ मान लेते हैं, अश्रेष्ठ मान लेते हैं, तो फिर वो शक्तियाँ हमारे से छीन ली जाती हैं, क्योंकि वो शक्तियाँ हमारी होती नहीं है। ईशावास्यम इदम सर्वम, यहाँ जो कुछ भी है वो सब ईश्वर का, थोड़े थोड़े दिन के लिए सब ट्रस्टी हैं, जिन वस्तुओं के, जिन विद्याओं के, जिन महल मकानों के आज आप मालिक हैं, उससे पहले कई मालिक हो चुके हैं। जिस जमीन के टुकड़े पर बैठ करके आज कक्षा में, आज इसको अपनी कक्षा कह रहे हैं, जिस गुरुकुल में रहते समय इसको आप अपना गुरुकुल कह रहे हैं, इसी जमीन के ऊपर आज तक करोड़ों लोगों ने अपना कहा। आप इसकी हिस्ट्री देखेंगे कि गुरुकुल में ये जमीन आने से पहले किसके नाम इसकी रजिस्ट्री थी, वो इसका मालिक था, उससे पहले उसके बाप दादा उसके मालिक थे, उससे पहले उनके बाप दादा उसके मालिक थे, उससे पहले उनके थे। तो ऐसे आप जब से ये पृथ्वी बनी तब से लेकर आज तक कितने इसके मालिक हुए, तो आपको पता लगेगा कि आपका भी छोटा सा पीरियड है, उसके बाद या तो आप किसी दूसरे स्थान पे आपकी ड्यूटी लगा दी जाएगी, संस्था में अन्य जगह, फिर कोई और आके इसको अपनी कक्षा कहेगा, फिर कोई और कहेगा। तो ये सब यहाँ जो कुछ भी मिला, ये तो मैंने एक क्लास की बात कही है। तो ऐसे ही शरीर से लेकर के, मकान से लेकर के, पद प्रतिष्ठा से लेकर के, व्यक्ति कहता है कि मैं यहाँ पर आचार्य हूँ, तो पता नहीं अब तक, तो आज तक कितने आचार्य हुए, महाआचार्य हुए। बोले आचार्य तो बहुत हुए, मैं प्राचार्य हूँ, प्राचार्य भी पता नहीं कितने हुए। बोले मैं तो प्राचार्य नहीं, मैं तो डीन हूँ, पता नहीं कितने डीन हो चुके। बोले डीन नहीं, मैं कुलपति हूँ, प्रतिकुलपति हूँ। तो आप किसी भी पद पे बैठे हैं, मैं तो सीएम हूँ, मैं पीएम हूँ, पता नहीं कितने सीएम पीएम बने आज तक। तो ये थोड़े दिन की वो होती है, अपनी एक जिम्मेदारी होती है बस, तो उसको निभाते समय ये सब भगवान का ही है, ये बात बराबर ध्यान रहनी ही चाहिए, कोई भी जिम्मेदारी निभा रहे। लेकिन व्यक्ति ऐसे करता है कि मेरे हाथ में जो जिम्मेदारी आई है, मेरे से पहले तो कभी किसी ने ऐसा किया नहीं और आगे भी कोई करेगा नहीं, ऐसे सोचता है व्यक्ति। ऐसा है नहीं, लेकिन तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए, रहा ना नामो निशान रे बंदे, मत कर तू अभिमान। अभिमान जो है ये फिर छीन जाती हैं वो शक्तियाँ। तो परशुराम जी जो है वो महाराज दशरथ एक वरिष्ठ व्यक्ति हैं, कोई अपराध भी उन्होंने किया नहीं है, वो हाथ जोड़ करके शांति से, विनम्रता से बात कर रहे हैं, शिष्टता से बात कर रहे हैं, और वो उनका अनादर करके राम की तरफ बढ़ करके और अपने पराक्रम की डींग हांक रहे हैं। तो फिर ऐसी स्थिति में शक्तियां छिन जाती हैं। तो हमें सावधान रहना चाहिए, हर व्यक्ति को ही भगवान चांस देता है, हर व्यक्ति के हाथ में। बोलते हैं ना ये थोड़े 2.5 दिन जवानी के गधे के ऊपर भी आते हैं, गांव में बोलते हैं ऐसे। जब जवानी आती है, युवावस्था आती है, तो बच्चे बड़ों की मजाक उड़ाते हैं, माता पिता को बुद्धू समझते हैं, गुरुजनों को कम अक्ल वाला समझते हैं, अपने को बहुत बुद्धिमान समझते हैं। थोड़े दिन के बाद फिर उनकी भी वही दशा होती। तो इसलिए यहाँ पर इन्होंने बताया कि ये शक्ति भगवान की दी हुई थी। जैसे ही उन्होंने श्री राम के सामने जा करके इस तरह से बातचीत करना प्रारंभ किया, तो श्री राम ने कहा कि देखो हम शांत हैं, चुप हैं, इसका ये अभिप्राय नहीं है कि हम बिल्कुल ही शक्ति और पराक्रम से हीन हैं, और यदि आपको ये घमंड है तो आप देख लो। तो वो तो सामने आ जाती है थोड़े दिन में, व्यक्ति को अपने ठिकाने के ऊपर आके रुकना पड़ता है, तो पहले ठिकाने पे रही तो अच्छी बात है, तो फिर उसको वहां से कोई हटा नहीं सकता है, दोनों ही बातें हैं।
ये प्रसंग हम पढ़ रहे थे, तो पीछे का आपका कोई प्रश्न है तो पहले पूछ सकते हैं। जी पूछिए। ओम दीदी जी प्रणाम। जी इसे रामायण से टॉपिक अलग है दीदी। आज विश्वकर्मा जयंती है, तो उसके ऊपर आप कुछ प्रकाश डालते हैं, ज़्यादा इसके विषय में पता नहीं है मुझे। विश्वकर्मा जयंती तो रोज ही होती है, संसार रोज बन रहा है और रोज मिट रहा है। रोज क्या, प्रतिपल बन रहा है, प्रतिपल मिट रहा है। तो उसको आप विश्वकर्मा कहें, उसको आप ब्रह्मा कहें, विष्णु कहें, शिव कहें, एक ही तो शक्ति है ना। तो वेदांत वाली जो अद्वैतवाद है तो उसके अनुसार एक ही शक्ति अनेक वो रूप धारण कर रही है। तो करते क्या हैं आज के दिन? आज के दिन दीदी जो मशीन आदि या शस्त्र आदि होते हैं उनकी पूजा पाठ करते हैं, पढ़ते भी हैं तो कॉलेज आदि में जो मशीन आदि होती है ना उनकी यज्ञ विधि विधान से पूजा पाठ करते हैं, इतना ही पता है। अच्छा, और दशहरा पे क्या करते हैं? दशहरा पे अस्त्र शस्त्रों की पूजा करते हैं। ठीक है जी, विश्वकर्मा दिवस की बधाई हो आपको। इतना ही मनाते हैं भारत में तो, हैप्पी विश्वकर्मा डे ऐसे बोलते हैं, हैप्पी शिक्षक डे। मतलब चीज़ें आजकल वैसे विकृत होती जा रही हैं। शिक्षक दिवस पे पहले जैसे हम पढ़ते थे तो बच्चे शिक्षकों को गिफ्ट देते थे, और वो भी अपने हाथ से बना करके, कुछ ऐसे नहीं बाजार से खरीद के लाके। और या फिर कुछ बच्चों को टीचर बनाया जाता था उस दिन, वो पढ़ाएंगे और टीचर देखेंगे कि भी कौन विद्यार्थी टीचर की तरह पढ़ा रहा है, टीचर बनने की राह पर आगे बढ़ रहा है। जिनकी रुचि होती थी वो उसमें पार्टिसिपेट करती थी, और उनमें जो सबसे अच्छा पढ़ाता था उसको बेस्ट टीचर का अवार्ड मिलता था। अभी सब उल्टा पलटा हो रहा है त्योहारों का कुछ। और कोई प्रश्न? जी बोलिए, उधर दे दो। ओम दीदी प्रणाम। दीदी इसमें आया था कि परशुराम के आने से पहले एक प्रकृति है और पक्षी आदि है, वो अलग प्रकार का वातावरण बना रहे थे। तो हम भी देखते हैं कि महापुरुषों के उपस्थिति का संकेत प्रकृति आदि करते हैं, तो इसका क्या तात्पर्य है? ठीक है, आप तो जानते ही हो, तो प्रकृति करती है तो अच्छी बात है, लेकिन क्यों करती है? वाइब्रेशंस होते हैं, ये सारा संसार वाइब्रेशंस से ही बना है, और अभी भी बनने के बाद अभी भी पूरा ये जो खाली स्थान दिखाई दे रहा है आकाश, वो वाइब्रेशंस के अलावा इसमें और कुछ नहीं है। तो इसमें सब वो तरंगें भरी हुई हैं, अच्छी भी बुरी भी, और वो हर पल हमारे को छू करके निकल रही है, बल्कि हम उसके बीच में ही हैं, निकल क्या रही हैं। तो जिसकी ज़्यादा ज़्यादा स्ट्रोंग हो जाती हैं तो फिर वो विजिबल हो जाती हैं, दिखाई देने लगती हैं। तो ये साइंस ने बताया ना कि जैसे यहाँ कोई तितली धीरे से उड़ती है तो उसके पंख दोनों खुले ना, तो एक वाइब्रेशंस पैदा हुए, और ये ही बढ़ते 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 जा करके कहीं दूर देश में अफ्रीका आदि में तूफान का रूप धारण कर लेगा। एक छोटी सी वाइब्रेशन ही तो थी, तो जब उनकी बढ़ जाती है महापुरुषों की तो विजिबल होता है। तो हर व्यक्ति का ही कुछ ना कुछ संकेत होता है, हर व्यक्ति की कोई एक अलग गंध होती है, उसका अपना ओरा होता है, अपने संस्कार होते हैं। गंध का मतलब मैं यहाँ फिजिकल स्मेल नहीं कह रही, गंध का मतलब है उसके व्यक्तित्व की एक सुगंध, सुगंध या दुर्गंध अपने व्यक्तित्व की, तो वो उसके आने से फील होती है, उस व्यक्ति के आने से, और उसके नाम से भी फील होती है। जैसे यहाँ किचन में कहीं पूड़ी बन रही हो तो पूड़ी की अलग एक सुगंध होती है, पकोड़ा बन रहा हो तो अलग सुगंध होती है, हलवा बन रहा हो तो अलग सुगंध होती है। तो आपको यहाँ बैठे पता लग जाएगा कि आज रसोई घर में क्या बन रहा है, हलवा बन रहा है, पूड़ी बन रही है। तो सबकी अलग अलग गंध होती है ना पकवानों की, आज पकौड़ा बन रहा है। ऐसे हर मनुष्य की भी अलग एक सुगंध होती है, और उसको प्रकृति ज़्यादा पहचानती है, सेंस करती है, पशु पक्षी पहचानते हैं कि ये व्यक्ति कैसा है। तो इस जिसमें थोड़ी क्रूरता की गंध आती है उसके पास पशु पक्षी आते नहीं हैं,
और जिसके अंदर करुणा की गंध आती है उनके पास पशु पक्षी डरते नहीं है। जो योगी होते हैं, संत होते हैं, उनके ऊपर, उनके पास बिल्कुल वो डरते नहीं है पशु पक्षी, एकदम उनके पास आके बैठ जाते हैं और उनको अच्छा लगता है उनके पास बैठना। आपने देखा होगा कुत्ता, बिल्ली, गिलहरी, मोर, ऐसी ऐसी चीजें जो योगी होते हैं, संत आत्मा होते हैं, या संत ना हो वैसे भी चाहे साधारण अपने घर गृहस्थ में रहने वाले भी लोग हों जिसके अंदर प्रेम की, करुणा की ऐसी वाइब्रेशंस ज़्यादा होती हैं, तो उसको वो पहचानते हैं, वो उसके पास आते हैं, उनको सुख मिलता है उससे। क्योंकि हम साधु संतों के पास भी क्यों जाते हैं, आखिर हमारे जैसे तो मनुष्य हैं वो, तो हम जाते क्यों हैं? क्योंकि उनके पास जा कर के हमें सुख मिलता है। सुख क्यों मिलता है? क्योंकि हमारा अपना जो हो रहा है वो तो टूटा फूटा है, उसमें जगह जगह से कट लगे हुए हैं, कहीं उसमें कीचड़ घुसा है, कहीं उसमें नीला हो गया, काला हो गया, और उनका जो ओरा होता है वो बहुत ब्राइट और स्ट्रॉन्ग होता है। तो हम उनके पास बैठ करके कुछ ले रहे होते हैं, चार्ज हो रहे होते हैं हम, और चार्जिंग में सुख मिलता है। जैसे नींद में भी चार्ज होता है व्यक्ति, तो इसलिए नींद में सुख मिलता है। और जैसे कोई व्यक्ति हमारे से कमजोर ओरा वाला है, वो हमें चूस रहा होता है हमारी एनर्जी को, इसलिए उससे हम दूर भागना चाहते हैं। हम कहते हैं कि नहीं, बस अब इससे दूर चले हम, क्योंकि वहाँ हमारी ऊर्जा जो है वो क्षीण हो रही होती है। तो ऐसे परशुराम जी ने बहुत तप किया था, तो उनका जो तेज, उनका पराक्रम, उनके वाइब्रेशंस, तो वो फील होता है। जैसे आंधी तूफान आने वाला होता है तो मोर चिल्लाने लगते हैं, चींटियां अपने मुंह में अंडा लेके बाहर निकलती हैं, लाइन बना के चलती हैं, तो एहसास हो जाता है। भूकंप आदि का मोर को हो जाता है, सांप को हो जाता है, तो वो वाइब्रेशंस फील करते हैं कि अभी कुछ स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस पैदा हो रही हैं, ऐसा उनको लगता है। ठीक है। ओम माता जी, आपने भी औरा का जिक्र किया, वो क्या होता है औरा? वो दिखता नहीं है, आंख से होता है, सूक्ष्मदर्शी यंत्रों से वो देख भी लिया जाता है, ऐसे नहीं दिखेगा। ठीक है, होता है, आपको भी है, सबको होता है, मानव के अलावा दूसरे जीव में भी होता है। शरीर का ही एक रूप वो है, पार्ट है वो। जैसे स्थूल शरीर के 5 लेयर्स हैं, ऐसे ही इसके चारों तरफ एक ओरा भी होता है, दिखाई नहीं देता है। मैंने ऐसा सुना था कि रुद्राक्ष भी लोग ओरा बनाने के लिए बांधते हैं, अगर कोई यात्रा करते हैं तो ओरा विक्षेपित होने पर उनका नींद डिस्टर्ब होता है या फिर कुछ तरह, तो ओरा का ढांचा है ना योगियों में बड़ा होता है, जो साधारण लोग होते उनमें थोड़ा काम होता है। क्या रुद्राक्ष पहने तो क्या होता है? ओरा का निर्माण होता है वो। हाँ, ओरा विक्षेपित होने पर ना जो योगी होते हैं, यात्रा करते हैं या जिनकी लाइफ स्टाइल थोड़ा क्रिटिकल होती है, तो औरा का उनका निर्माण टूट जाता है, तो औरा मतलब ये रुद्राक्ष होते हैं ना मदद करते हैं, तो जिनका औरा का दायरा ज़्यादा होता है तो वो ज़्यादा स्थिर होते हैं अपने अंदर। जो साधारण मनुष्य होते हैं अगर वो यात्रा करते हैं वो नींद को खो देते हैं, नए बेड पर नहीं सोते हैं, लेकिन योगियों का औरा ज़्यादा होता है, तो मैंने इसलिए पूछा था। एक फिल्म में भी चर्चा हुई थी। ठीक, इसका मतलब फिल्म आदि सब देख के आए हो। ठीक, और कोई प्रश्न है? आगे चलें? चलिए। तो इन्होंने क्रुद्ध होकर के उनके हाथ से धनुष को तुरंत ले लिया श्री राम ने। आरोप्य स धनु रामः शरम सज्जम चकारः जामदग्नम ततो रामम् रामः क्रुद्धो ब्रवीदिदम् ब्राह्मणोऽसीति पूज्यो मे विश्वामित्र कृतेन च तस्माच्छक्तो न ते राम मोक्तुम् प्राणहरम् शरम्। तो इन्होंने वो धनुष ले लिया और आरोप्य स धनुः, उस धनु को आरोप्य, आरोपित करके, फैला करके, माने उसकी डोरी को खींच करके, शरम सज्जम चकारह, और उस डोरी के ऊपर फिर शर को रखा, बाण को रखा। शरम सज्ज,
शर को चढ़ा करके, जामद अग्नम ततो रामम, यहाँ एक रामम, जामद अग्नम रामम का मतलब है परशुराम, जमद अग्नि परशुराम को रामः क्रुद्धो अब्रवीत इदम, क्रोधित होकर के श्री राम ने ये वाक्य कहे। क्या कहा उनको? ब्राह्मणो असि इति पूज्यो में, क्योंकि आप ब्राह्मण हैं तो इस दृष्टि से हमारे पूज्य हैं। तो देखो कोई कुछ ना, ये एक सामाजिक व्यवस्था है, वैसे तो सब आत्मा आत्मा बराबर ही हैं, पर बराबर होते हुए भी लोक व्यवहार तो फिर एक उससे चलता है ना, लोक मर्यादा से। अब सब मनुष्य मनुष्य, सब आत्माएं एक ही जैसी आत्मा है, भाव तो यही रखना चाहिए, लेकिन व्यवहार तो ये नहीं हो सकता है। सन्यासी के साथ सन्यासी जैसा व्यवहार करना चाहिए, ब्रह्मचारी के साथ ब्रह्मचारी जैसा, गृहस्थी के साथ गृहस्थी जैसा, बच्चे के साथ बच्चे जैसा, बुजुर्ग के साथ बुजुर्ग जैसा। तो व्यवहार तो सब अलग अलग हैं, और ये व्यवहार की लोक की मर्यादा लोक ही तय करता है। तो इन्होंने कहा ब्राह्मणो असि इति मे पूज्यो, आप ब्राह्मण हैं इसलिए मेरे पूजनीय हैं। और विश्वामित्र कृतेन च, और आप विश्वामित्र जी के भी मित्र हैं, तो वो क्योंकि हमारे गुरु हैं तो इस दृष्टि से भी आप, हम आपका सम्मान करते हैं। तस्मात् न छक्तः ते रामे मोक्तुम प्राण हरम शरम, क्योंकि इस धनुष के ऊपर जो भी बाण रखा जाएगा और जो भी छोड़ा जाएगा तो वो लक्ष्य को पूरा किए बिना वापस आता नहीं है, ऐसा इसका विशेषता है। तो उन्होंने कहा कि अगर ये बाण मैं आपके ऊपर छोड़ दूं तो ये आपका प्राण हरे बिना वापस नहीं आएगा, और मैं आपको मार नहीं सकता हूँ। क्यों नहीं मार सकता हूँ? एक तो आप हमारे गुरु जी के मित्र हैं विश्वामित्र जी के, और दूसरा आप ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मण के ऊपर, माता पिता गुरुजनों के ऊपर, छोटे बच्चों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, रोगी के ऊपर कभी भी अस्त्र शस्त्र नहीं चलाया जाता है, ये मर्यादा है लोक की। तो इसलिए कहा तस्मात् न छक्तः ते मोक्तुम, हे राम हे परशुराम जी, मैं आपको प्राण हरम शरम न मोक्तुम क्षक्त, ये प्राण हर लेने वाले बाण के द्वारा आपको, आपका प्राण हरण नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी मर्यादा है और मैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हूँ। तो ऐसे छोटी छोटी मर्यादाओं का वो पालन करते थे बचपन से ही, इसीलिए उनका नाम ही क्या हो गया, मर्यादा पुरुषोत्तम हो गया। तो फिर क्या करेंगे, क्योंकि बाण चढ़ा लिया तो बाण तो छोड़ना पड़ेगा, और इसके लिए इन्होंने ही उनको ललकारा है, उन्होंने ही मजबूर किया है। तो देखते हैं वो क्या करेंगे बाण का। इमाम वा तद्गतिम राम तपो बल समर्जितान लोकान अप्रतिमान वापी हनिष्यामीति मे मति नह्यं वैष्णवो दिव्यः शरः पर पुरंजयः मोघ पतति वीरेण बल दर्प विनाशिनः वरायुध धरम रामं द्रष्टुं सरिषिगणासुराः पितामहं पुरस्कृत्य समवेतास्तत्र सर्वशः गंधर्वाप्सरसश्चैव सिद्धचारण किन्नराः रक्ष राक्षस नागाश्च तद्द्रष्टुं महदद्भुतम् जड़ीकृते तदा लोके रामे वर धनुर्धरे निर्वीर्यो जामदग्न्योऽसौ रामो रामम् उदैक्षत। तो बोले आपको मार तो सकता नहीं हूँ, आपके प्राण तो हरण नहीं कर सकता हूँ। इमाम व त्वद गतिम राम, लेकिन ये जो आपकी गति है हे राम हे परशुराम जी, जो तपो बल समर्जितान, तप से और बल से जो आपने अर्जित की है, अपने तपस्या से, अपने पराक्रम से, अपने बल से, ये जो आपने गति प्राप्त की है, लोकान अप्रतिमान वापी, जो अप्रतिमान लोकान, अप्रतिम लोकों को आने जाने की जो गति आपने प्राप्त की है, सब लोकों में आपका बिना किसी बाधा के आना जाना फटाफट हो जाता है, तो आपकी इस गति को हनिष्यामी,
मैं हरण करूँगा। इति मे मति, ऐसा मेरा ख्याल है। मेरा विचार ये है कि आपके प्राण तो नहीं हर लेने चाहिए मुझे, क्योंकि आप ब्राह्मण हैं, तो आपको मार करके तो मैं पाप का भागी हो जाऊंगा, ब्रह्म हत्यारा बन जाऊंगा मैं। तो ऐसा करता हूं कि ये बाण जो मैंने चढ़ा दिया ये वापस भी नहीं आएगा, तो मैं आपकी गति का हरण कर लेता हूं। माने जिन विद्याओं का आपको घमंड है, जो आपने यद्यपि अपने तप और बल से अर्जित की हैं, लेकिन क्योंकि उनको अर्जित करके अब आपको अहंकार आ गया है, तो मैं उनका नाश कर देता हूं। फिर तो तप और बल से भी विद्याएं हमें ईश्वर ही देता है, यद्यपि वो पुरुषार्थ से ही मिलती हैं, बिना पुरुषार्थ के तो कुछ भी नहीं मिलता है, लेकिन पुरुषार्थ से मिली हुई वस्तुएं भी भगवान की ही हैं। तो इसलिए अपने तप पुरुषार्थ से प्राप्त करके भी उसका अहंकार यदि व्यक्ति करता है, तो फिर थोड़े काल में वो छिन जाएंगी, इसमें कोई दोराय की बात नहीं है। तो इन्होंने कहा, लोकान अप्रतिमान वापी हनिष्यामी इति मे मति, ऐसा मेरा मत है कि इस आपकी गति को मैं हरण कर लेता हूँ। नहि अयम वैष्णवो दिव्य शरह पर पुरंजयः मोघः पतति, क्योंकि ये जो अयम वैष्णव दिव्य शरह, ये जो दिव्य धनुष है और इसके ऊपर चढ़ा हुआ ये जो दिव्य बाण है, इसकी विशेषता क्या है? पर पुरंजय, जिस पे भी ये चलाया जाएगा उसको जय करके ही लौटता है। इसका नाम ही क्या है? पर पुरम जय, दूसरे के पुर को जीत लेने वाला, दूसरे को जीत लेने वाला। तो यह न ही अयम मोघ पतति, ये व्यर्थ नहीं गिरेगा कहीं भी। मोघ है मतलब व्यर्थ, तो ये व्यर्थ नहीं जाता है, जहां कहीं भी लगेगा उसको जीत करके ही आएगा, ये इसकी विशेषता है ये। तो इसलिए वीर्यण बल दर्प विनाशन, हाँ, क्योंकि ये अपने पराक्रम से, ये जो शर है बाण है, ये अपने पराक्रम से बल और दर्प का विनाश करने वाला है। उसके बल का भी नाश करता है और दर्प का तो करता ही करता है, और बल का नाश हो जाएगा तो दर्प का अपने आप ही हो जाएगा, घमंड का। तो घमंड एक ऐसी वस्तु है इस संसार में जिसकी आयु बहुत अल्प है, दर्प की आयु बड़ी नहीं है। जैसे सत्य की आयु कितनी है? अनंत है, बड़ी नहीं है। सत्य की आयु कितनी है? अनंत। सत्य का कभी भी नाश नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है। सत्य आग में जलता नहीं है, पानी में गलता नहीं है, मिट्टी में दबाया नहीं जा सकता है। इसलिए सत्य की पूजा करते समय या सत्य नारायण की पूजा करते समय दूर्वा से पूजा करते हैं ना, तो दूर्वा ही क्यों लेते हैं? और भी तो इतनी घास है। दूर्वा का इसलिए लेते हैं कि ये बहुत कठिनाई से मरती है, दूर्वा मरती नहीं है ये। इसके ऊपर आपने ईंटें बिछा दी तो कहीं ना कहीं छेर में से निकल आएगी, अंदर अंदर फैलती रहेगी। बिल्कुल गर्मी होगी, सब सूख जाएगा, फिर थोड़ी सी बारिश होते ही उसमें से अंकुर फूट आएंगे हरे हरे। तो वो मरती नहीं है, जैसे अमृता नहीं मरती है ऐसे दूर्वा भी मरती नहीं है। अच्छा, अमृता हो सकता है एक बार बहुत ज्यादा यदि सूख गई तो शायद दोबारा हरी ना हो, लेकिन दूर्वा घास कितनी भी ज्यादा सूख गई, तिनके हो गए बिल्कुल, और फिर उसको जमीन में डाल दो, पानी डाल दो, फिर से हरी हो जाती है वो। तो इसलिए दूर्वा से पूजा की जाती है, वो सत्य का प्रतीक माना जाता है। तो सत्य की आयु तो अनंत है और दर्प की आयु अति अल्प है, मच्छर जैसे। तो इसका स्वभाव ही ऐसा है, दर्प का, अहंकार का, घमंड का, इसकी आयु ज्यादा नहीं होती है, और ये जितना ज्यादा स्ट्रोंग हो उतना जल्दी ज्यादा मरता है, ये भी इसकी विशेषता है। हल्का हल्का हो तो थोड़ा सा चल जाएगा कई दिन तक, लेकिन जैसे ही ये पुष्ट हुआ, स्ट्रोंग हुआ, तो समझ लो मृत्यु नजदीक है फिर। वरा युध धर्म रामम द्रष्टुम स ऋषि गणासुरः पितामहं पुरस्कृत्य समेतास्तत्र सर्वश। तो इस प्रकार से जब श्री राम कैसे हैं, वर आयुध धर्म,
श्रेष्ठ आयुध को धारण करने वाले, वर मतलब श्रेष्ठ, आयुध धनुष, वर आयुध धर्म रामम द्रष्टुम, क्योंकि श्री राम जल्दी से किसी के ऊपर धनुष तानते नहीं हैं, और जब तानते हैं तो वो व्यर्थ जाता नहीं है, तो उनका वो वाला रूप देखने के लिए, क्योंकि उनका सामान्य रूप से श्री राम का रूप क्या है, सौम्य है, विनम्र है, बहुत शालीन है, बहुत मौन रहने वाले हैं, शांत रहने वाले हैं, और ऐसा हमेशा शांत सौम्य शालीन शिष्ट रहने वाला व्यक्ति जिस दिन धनुष तान के खड़ा हो जाए तो उस दिन तो सब देखने आएंगे ना गुरुकुल में, भाई आज इनको क्या हुआ, ये तो हमेशा बड़े सौम्य रहने वाले थे, आज क्या हुआ। तो इसी तरह से वर आयुध धर्म रामम द्रष्टुम स ऋषि गणा सुराहा, सब सुर सब देवताए और साथ में ऋषिगण भी आएगी, अब क्या होने वाला है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जल्दी से अपनी जुबां खोलता नहीं है, और खोलता है तो सारा जगत डोलता है, फिर